हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। और मैं धर्मेंद्र आपके लिए लेके आता हूँ करंट अफेयर की सीरीज़। तो अब मैं आज का करंट अफेयर स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, आज है 24 जुलाई और कल थी 23 जुलाई, और कल मनाया गया था आपका राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण दिवस, यानी 23 जुलाई को राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण दिवस मनाया जाता है। क्योंकि क्यों मनाया जाता है, अगर इसके बारे में बात करें तो 23 जुलाई 1927 को मुंबई में बॉम्बे स्टेशन से भारत में पहली बार राष्ट्रीय रेडियो का राष्ट्रीय प्रसारण किया गया था। यानी रेडियो का पहला प्रसारण अगर बात की जाए तो 23 जुलाई 1927 में किया गया था। और इसी के उपलक्ष्य में 23 जुलाई को राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि टीवी का प्रसारण भारत में कब से किया गया, रंगीन टीवी का, तो 1982 से एशियाई खेलों से रंगीन टीवी की शुरुआत होती है भारत में, डिजिटल टीवी की। तो चलें फिर आगे, लेट्स स्टार्ट। तो आज की हमारी पहली न्यूज़ है DRDO यानी देहार, 24 जुलाई। तो आज की हमारी पहली न्यूज़ है DIHAR, ये क्या है? देहार। क्या है देहार? अगर देहार के बारे में बात की जाए तो देहार जो है लेह में स्थित एक राष्ट्रीय लेबोरेटरी है, रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान केंद्र है, जहाँ पर डेजर्ट एरिया और जो कोलेस्ट एरिया होते हैं, या फिर ये कह लें जहाँ पर आपका जो ठंडे क्षेत्र हैं, एक तो आपका रेगिस्तानीय क्षेत्र और दूसरे आपके ठंडे क्षेत्र, तो वहाँ पर पाई जाने वाली औषधियों की, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों की वैरायटियों की रिसर्च की जाती है। इसके अलावा हालिया के वर्षों में देहार में रक्षा अनुसंधान केंद्र के रूप में, रिसर्च के रूप में भी क्या किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है। तो ज़रा इसमें देखते हैं ये आज क्यों हाईलाइट में रही। ये इसलिए हाईलाइट में रही क्योंकि यहाँ पर, यानी ये कहाँ पर है, लेह में देहार में DRDO ने, यानी हमारा जो रक्षा अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, इसने क्या किया है, तिहार लेबोरेटरी लैब में COVID-19 के टेस्ट करने की सुविधा प्रदान की गई है। यानी लद्दाख क्षेत्र में COVID-19 टेस्ट कहाँ किया जाएगा, देहार लेबोरेटरी में किया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसे वहाँ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, ये हुआ ये है कि लद्दाख क्षेत्र में COVID-19 के लगभग 1200 के करीब केस हुए हैं, और इन केसों का तेज़ी से प्रसार ना हो तो वहाँ पर तेज़ी से टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। और इस टेस्टिंग की व्यवस्था के लिए केंद्र के रूप में किसे बनाया गया, देहार को बनाया गया, क्योंकि वो लाइब्रेरी वहाँ ऑलरेडी मौजूद थी लेबोरेटरी, ठीक। तो ये क्या हुआ आपका, देहार रिसर्च सेंटर के बारे में बात हुई और इसका COVID-19 के टेस्ट के रूप में एक लेबोरेटरी के रूप में बनाए जाने का मेन कारण मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ COVID-19 के केस पाए गए हैं, इसलिए उन केसों को कंट्रोल करने के लिए पर डे 50 टेस्ट किए जाएंगे और उसकी रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, देहार के बारे में हुआ। तो देहार क्या है, अगर हम इसके बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में कोई अगर पूछे तो ठंडे एवं रेगिस्तान क्षेत्रों में वनस्पतियों, पौधों, सुगंधित औषधियों के
रिसर्च सेंटर के रूप में, रिसर्च केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था। ओके, और अगर बात करें वर्तमान समय में, वर्तमान समय में यह केंद्र रक्षा अनुसंधान में जुटा है, रक्षा अनुसंधान में जुटा है। ठीक है, तो बिहार के बारे में आपको पता चल गया कहाँ पर स्थित है, लेह में स्थित है। ठीक, ठंडे क्षेत्रों में कृषि एवं पशु प्रौद्योगिकियों की ज्ञान अर्जन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारी आज की अगली न्यूज़ है चीन से। क्या न्यूज़ है? चीन ने आज एक स्पेस रिसर्च सेंटर या स्पेस में एक अपना सैटेलाइट लॉन्च की है कल, उसके बारे में देखते हैं क्या है। चीन ने क्या किया है? चीन ने अपना पहला मार्स प्रोब लॉन्च किया है। क्या किया है? चीन ने अपना पहला मार्स प्रोब लॉन्च क्या किया है? लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये क्यों लॉन्च किया गया है, इसका क्या पर्पस है, इसके बारे में देखते हैं कि अब पहली बार चीन ने अपने रिसर्च सेंटर तियानवेन, किस यान से? तियानवेन यान से, तियानवेन अंतरिक्ष यान से, अंतरिक्ष यान से मार्स प्रोब को लॉन्च किया है। ठीक है, और ये जो एक रोवर मिशन है, क्या है? उपग्रह मंगल ग्रह पर भेजा गया एक रोवर उपग्रह मिशन है, और ये मंगल की एनवायरनमेंट, मंगल की खनिज, मंगल के स्पेस, वहाँ पर सैटेलाइट आगे मनुष्य को पहुँचाने के लिए स्पेस, वो आपका अंतरिक्ष यान कहाँ पर प्रक्षेपित किया जाए, इन सारी के क्षेत्रों के बारे में जानकारी देकर क्या भेजेगा? भेजेगा चीन को। ठीक है, और ये चीन का जो चीन का मंगल पर भेजा गया, इससे पहले भी भेजे गए मिशन हैं, और अगर हम और मिशनों की बात करें तो इससे पहले चीन के मिशन ज़्यादातर क्या हुए हैं? फेल हुए हैं, असफल हुए हैं। इस मिशन को देखते हैं, इस मिशन में क्या होता है, इस मिशन की क्या 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 कहते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो मंगल की भौवैज्ञानिक संरचना, वातावरण, पर्यावरण और मिट्टी व पानी की जाँच के लिए किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें इससे पहले मंगल पर चीन ने 2011 में यांग तुहान फर्स्ट से क्या भेजा है? अपना मिशन भेजा था जो कि असफल रहा था। यदि हम बात करें मंगल पर जाने वाले देशों की लिस्ट में, तो यूएसए है हमारा, हमारा रसिया है, हमारा जापान, यूरोपीय यूनियन है, और इसके बाद आता है नंबर किसका? भारत का। भारत का मंगल मिशन का नाम था मॉव यानी मंगलयान, और जो 2014 में 13 में प्रक्षेपित किया गया था, और 2014 में वहाँ पर सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो गया था, और वहाँ से उसने पिक्चर्स भेजना शुरू कर दिया है। ठीक है, और पिछले वर्ष ही मंगलयान पर मॉम एक पिक्चर, मार्स मंगल मिशन पर पिक्चर भी बनाई गई थी भारत में। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ स्पेस के बारे में। ठीक, और देखते हैं तियानवेन, ये अंतरिक्ष यान से भेजा गया मंगल मिशन है, और किस किस के लिए, अगर इस पर अगर हम बात करें मंगल के पर्यावरण, के पर्यावरण भूवैज्ञानिक वाता और आपके खनिज अयस्क प्रौद्योगिकी की जानकारी हेतु, की जानकारी हेतु। ठीक है, ये हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें भारत ने भी क्या किया है, दिगंतरा नामक एक मिशन को लॉन्च करने की बात की है। दिगंतरा क्या है, इसके बारे में देखते हैं भारत क्या करने वाला है। भारत अपना पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी के लिए ट्रैकिंग सिस्टम तैयार कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑर्बिट स्पेस ट्रैकिंग सिस्टम। इसमें क्या है, अगर इसकी हम बात करें
क्या ऑर्बिट स्पेस ट्रैकिंग सिस्टम, ये भारत का पहला मिशन हो जो क्या है ऑर्बिटल सेंटर पर स्पेस में भारत के सैटेलाइटों की निगरानी के लिए भारत द्वारा छोड़ा गया एक मिशन है। क्या है भारत का पहला स्पेस ऑर्बिट ट्रैकिंग मिशन, ऑर्बिट ट्रैकिंग मिशन है, ठीक है। और ये ऑर्बिट ट्रैकिंग मिशन जो है एक दिगंतरा नामक एक स्पेस स्टार्टअप ने भारत की पहली ऑर्बिट स्पेस निगरानी को ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है। क्या है दिगंतरा दिगंतरा नामक दिगंतरा नामक स्पेस स्टार्टअप ने भारत के पहले ट्रैक सिस्टम को विकसित किया है, ठीक है, विकसित किया है। यह सिस्टम जो है वो लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग सिस्टम पर आधारित होगा, ठीक। तो ये हुआ। अगर हम इस प्रणाली के बारे में और बात करें तो यह प्रणाली क्या करेगी, पृथ्वी की निगरानी में मदद करेगी और लो अर्थ यानी लो अर्थ ऑर्बिट जो हैं उनको और कुशल नैनो उपग्रहों को नक्षत्र में तैनात करने के लिए क्या करेगी, एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दिगंतरा ने एक स्टार्टअप ने इसको शुरू किया है और लगभग ये 1000 मीटर से क्या करेगा, देखेगा। अगर हम दिगंतरा के बारे में बात करें तो ये भारत की पहली वायु अंतरिक्ष निगरानी कंपनी है। पहली क्या है, भारत की पहली वायु अंतरिक्ष निगरानी कंपनी। और इस कंपनी को कितने का अनुदान दिया गया है, 25 लाख रुपए का अनुदान भी दिया गया है इस स्टार्टअप को, ठीक है। और अगर हम भारत सरकार के रॉकेटों के बारे में बात करें तो ये होता है। इसके अलावा एक हमारी अगली न्यूज़ है, अगर हम बात करते हैं तो हमारी अगली न्यूज़ है भारत इज़राइल कोविड-19 टेस्ट परीक्षण किट तैयार करेगा, जो क्या करेगा 30 सेकेंड में, कितने, ओनली 30 सेकेंड में क्या देगा, रिजल्ट देगा। यानी अगर हम इस न्यूज़ के बारे में देखें, हमारी अगली जो न्यूज़ है भारत इज़राइल 30 सेकेंड में कोविड-19 परीक्षण किट विकसित करेगा। क्या करेगा, 30 सेकेंड में क्या करे, कोविड-19 को परीक्षण को विकसित करने के लिए पहल करेगा। दोनों देशों का ये ज्वाइंट एडवेंचर होगा जिसमें कोविड-19 के टेस्ट के रिजल्ट को 30 सेकेंड में अनाउंस करने, सबसे फास्ट टेस्टिंग सिस्टम तैयार करने की के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की बात की गई है। इसके अलावा हमारी अगली न्यूज़ की अगर हम बात करें तो हमारी अगली न्यूज़ है एक अगली सैटेलाइट, क्या है, एनासिस एनासिस सेकेंड। क्या है एनासिस सेकेंड, एनासिस सेकेंड जो है दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया द्वारा एक सैन्य सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किया गया है फॉल्कन से, यानी फॉल्कन जो आपका अमेरिकी बेस्ड रॉकेट है, 9 रॉकेट फॉल्कन 9 रॉकेट है, जो फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस रिसर्च सेंटर से क्या किया गया है, भेजा गया है। और ये जो है नॉर्थ कोरिया के जो तेजी से बार बार है आतंकित कर देता है अपने पड़ोसी देश साउथ कोरिया को, तो उसके अपना सैन्य सिस्टम, अपनी सैन्य टुकड़ी को, अपने सैन्य प्रौद्योगिकी को मजबूत बनाने के लिए पहला सैन्य उपग्रह सेट छोड़ा गया। क्या है, पहला दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह, सैन्य उपग्रह लॉन्च किया गया, लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें कहाँ से छोड़ा गया इसे, फॉल्कन 9
रॉकेट से फ्लोरिडा, फ्लोरिडा स्पेस सेंटर से, स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। और इसके पीछे कारण वही है जो मैंने आपको बताया, नॉर्थ कोरिया के भय को कम करना, अपनी सैन्य तकनीक को, अपनी सैन्य पावर को तेज़ी से विकसित कर रहा है साउथ कोरिया। और जैसा कि आप लोगों को पता है, साउथ कोरिया में अपनी डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका पर ही क्या रहता है, आश्रित रहता है। लगभग 30,000 अमेरिकी सैनिक द साउथ कोरिया की फ्रंटियर पर क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक और स्पेस से संबंधित। ठीक, और अगर हम बात करें कि रक्षा उपग्रहों को छोड़ने के मामले में, देखो जैसे एक तो आपका होता है संचार उपग्रह, जो लगभग प्रत्येक देश अपने अपने देश में मनोरंजन के साधनों और जानकारी के लिए लॉन्च करता है। अगर हम डिफेंस सिस्टम की बात करें तो रक्षा उपग्रह छोड़ने के मामले में या अपनी रक्षा तकनीकी को सैटेलाइट बेस्ड करने के लिए कौन कौन से देश हैं, अगर ये बात करें तो साउथ कोरिया जो है वो 10वां ऐसा देश है जो अपनी रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए अपनी रक्षा तकनीक को क्या करना चाहता है, सैटेलाइट बेस्ड तैयार करना चाहता है। तो साउथ कोरिया क्या है, 10वां ऐसा देश है जो सैन्य तकनीक या सैन्य उपग्रह लॉन्च करने, अपनी सैन्य तकनीक को मजबूत करने, सैन्य पावर को मजबूत करने के लिए क्या किया है, 10वें ऐसे देश की सूची में 10वें नंबर पर है जिसने सैटेलाइट बेस्ड अपनी सेना को मजबूत किया है। ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें अपनी अगली और न्यूज़ की, तो अगली न्यूज़ है कर्नाटक मंत्रिमंडल ने क्या किया है, डिजिटल अर्थव्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इसमें क्या है, अगर हम बात करें, यह क्या है, कंपनी मिशन में 2013 में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कोविड-19 के दौर में ज़्यादातर काम जो वर्क फ्रॉम होम की एक कर्नाटक पहले ज़रा देखते हैं कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कर्नाटक अर्थव्यवस्था को डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के रूप में परिवर्तित करने को मंजूरी दी दी, मिशन के रूप में बदलने को मंजूरी। ठीक है, इसमें क्या है अगर हम बात करें, तो इसमें यही है कि वर्क फ्रॉम होम की जो एक सिस्टम, एक परंपरा शुरू की गई है, इसे और बेहतर बनाते हुए अर्थव्यवस्था में उसको मजबूती से अपना जो कहते हैं योगदान देने के लिए एक प्रकार का प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। जैसे कि अगर हम बात करें कि क्या हुआ है, 2013 के एक्ट की धारा 8 में शुरुआत की गई है और 51% जो उद्योग हैं उनके हित कंपनियों को कर्नाटक सरकार के कम क्या करेगी, उनका इन्वेस्टमेंट करेगी और एक प्रकार से इन्वेस्ट कर्नाटक जैसा फोरम तैयार करेगी जिससे कई इंडस्ट्रियलिस्ट आएँ और कर्नाटक में निवेश करें। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ की, तो हमारी अगली जो न्यूज़ है वो है वेंटिलेटर से संबंधित। इसको ज़रा देखते हैं क्या है वेंटिलेटर से संबंधित हमारी न्यूज़। सिंगापुर के टैक्सोकॉम, किससे, टेमासेक फाउंडेशन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आयात किए जाएंगे। ठीक है, आयात
अब क्या है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड 19 का दौर चल रहा है, वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है, कई मरीजों की हालत गंभीर हो जाती है, तो ऐसे में वेंटिलेटर को की कमी के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपने यहाँ वेंटिलेटर को मजबूत किया है। उसी के दौर में ये देखा गया है कि सिंगापुर की एक कंपनी है एक फाउंडेशन है टेमासेक फाउंडेशन, उसने भारत को 20,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आयात करने या देने की घोषणा की थी। तो उसी की पहली खेप यानी 4,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत आ चुके हैं और अगस्त लास्ट तक शेष जो रेस्ट ऑफ 16,000 बचे हैं वो भी भारत भेज दिए जाएंगे। अब ये है क्या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इसके को समझें। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता क्या है, ये एक आसानी से पोर्टेबल हैं। पोर्टेबल का मतलब है कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एटमॉस्फेयर में उपस्थित ऑक्सीजन को ही क्या करते हैं, अपने कंटेनर में इकट्ठा करते हैं और उसे कंसंट्रेट रूप में आसानी से लोगों को प्रोवाइड करा देते हैं, और जिससे उन्हें ऑक्सीजन लेने में या फेफड़ों को ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में जो समस्या होती है उससे निजात मिल जाती है। ठीक है ना, यानी जो इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन है, जैसे अगर मान लो कोई आपकी एम्बुलेंस है और आपका, जैसे मैंने आपको बताया था, एक पोर्टेबल एक मूवेबल हॉस्पिटल भी किया गया है बनाया गया है, तो ऐसी लोगों को और जहां पर लोग जाने में आने में असमर्थता हो तो वहां पर इसे आसानी से कंटेनर को ले आया जा सकता है और ये वहीं उपस्थित ऑक्सीजन को एक कंसंट्रेट करके जो मरीज है उसको दी जा सकती है। तो ये क्या हुआ, ये आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हुआ और ये काफ़ी बेहतर टेक्निक है और भारत ने इसको ऐसे 20,000 कंटेनरों को मांगा था और टेक्सनोस फाउंडेशन ने भारत को स्वेच्छा से 20,000 कंटेनर दिए हैं और पहली खेप आ गई है। और ये तो आज आपका करंट अफेयर था और इससे संबंधित आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें अगर कि इसमें वीडियो में जो आपके कमेंट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, आप लोग अपने कमेंट्स को हमारे YouTube चैनल हमारे इस वीडियो के नीचे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।